नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। मित्रों, आज हम बात करेंगे महाराजा सुहेल देव के बारे में। सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया, इस नाम की किताब को लिखा है अमीश त्रिपाठी ने। इस पर अब फिल्म बनने की बात फाइनल हो गई है। अजय देवगन या उनकी प्रोडक्शन कंपनी इस फिल्म को नहीं बना रही है। इस फिल्म को अब बना रहे हैं सेंथिल कुमार, जो कि एक मशहूर विज्ञापन फिल्म निर्देशक हैं। वो निर्देशन करेंगे इस फिल्म का, और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं वकाओ फिल्म्स, कासा मीडिया और इमॉर्टल स्टूडियोज। महाराजा सुहेल देव का शासनकाल 11वीं शताब्दी में 1027 से 1077 ईस्वी तक फैला हुआ था। उनका साम्राज्य पूर्व में गोरखपुर से पश्चिम में सीतापुर तक फैला था। महाराजा सुहेल देव का वर्णन फारसी ऐतिहासिक ग्रंथ मिरातुल मसूदी में भी मिलता है। महमूद गजनवी की मौत के बाद उसके भतीजे सैयद सलार मसूद को भी गाजी कहलवाने का चस्का चढ़ा, जिसके लिए उसने भारत पर आक्रमण किया। दिल्ली को जीतने के बाद अब उसका अगला पड़ाव हिंदू धर्म के केंद्र अयोध्या और वाराणसी जैसे शहर थे। इसके लिए उसने आसपास के सभी राज्यों में कत्लेआम, दहशत और क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। इन सब राज्यों को जीतने के बाद, कत्लेआम करने के बाद, उसने कन्नौज को अपना केंद्र बना लिया। अब उसका अगला पड़ाव अयोध्या था। लेकिन महाराजा सुहेल देव के गुप्तचरों ने बहुत अहम भूमिका निभाई और पल पल की सूचना समय पर वो महाराजा सुहेल देव को देने लगे। महाराजा सुहेल देव ने जब मसूद के इन हरकतों को देखा तो आसपास के सभी राजाओं को एक पत्र भेजा और कहा कि हम सबको मिल करके ही उसकी 1.5 लाख की लंबी चौड़ी सेना का सामना करना होगा। महाराजा सुहेल देव ने ये प्रण कर लिया था कि दुश्मन को किसी भी कीमत पर अयोध्या की पावन भूमि में पैर नहीं रखने दिया जाएगा। अचानक युद्ध शुरू होने से पहले ही रात के समय मसूद की सेना ने आक्रमण कर दिया। फौलादी इरादों वाले महाराजा सुहेल देव ने अपनी प्रजा से ऐसे मौके पर मदद मांगी और कहा कि ये एक धर्म युद्ध है और इसके लिए हर परिवार को अपनी आहुति देनी होगी। इसका नतीजा ये निकला कि हर परिवार ने अपने एक एक नौजवान को इस युद्ध के लिए तैयार कर दिया, यानी राजा को सौंप दिया। इसके बाद बहराइच का जो इलाका है वहां पर 8 जून 1034 को युद्ध हुआ। रणभूमि थी। रणभूमि का जो इलाका था वो चिंतौरा झील से लेकर के हठीला और अनारकली झील तक था। इस समय जब युद्ध हुआ तो सलार मसूद की 1.5 लाख की सेना का डट कर मुकाबला किया गया। महाराजा सुहेल देव ने अपने सैनिकों में जान फूंकने के लिए कह दिया कि दुश्मन का एक भी आदमी जिंदा नहीं बचना चाहिए। युद्ध के दिन महाराजा सुहेल देव ने अपने सैनिकों में मातृभूमि प्रेम की ऐसी ज्वाला भरी कि दुश्मन के ऊपर ये सैनिक भूखे शेर की तरह टूट पड़े। वहीं मसूद ने केंद्रीय कमान संभाली अपनी सेना की और दाईं और बाईं कमान नसरुल्ला और रज्जब को सौंप दी। जब युद्ध शुरू हुआ तो नसरुल्ला को बहराइच के उत्तर में 12 मील दूर ग्राम दिकोली में सैनिकों ने मार गिराया। वहीं मसूद के भांजे सलार रज्जब को बहराइच के ग्राम शाहपुर में मौत के घाट उतार दिया गया। अब बचा मसूद, वो सुहेल देव की सेना के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस चुका था। दोनों में भयंकर युद्ध चल रहा था। सुहेल देव ने विष भरे हुए बाणों से ऐसा हमला किया कि एक तीर सीधा मसूद के गले में जा लगा और मसूद की मौत मौके पर ही हो गई। इस तरह युद्ध पूरी तरह से मसूद हार चुका था और बाजी महाराजा सुहेल देव ने जीत ली थी। 2 दिनों तक चले इस युद्ध में मसूद की सेना बुरी तरह हार गई थी। बचा मसूद का सेनापति इब्राहिम, जो अपनी हार होते देख उसने महाराजा सुहेल देव के पास संधि का संदेश भेजा। महाराजा सुहेल देव ने इब्राहिम के संधि संदेश को ये कह के ठुकरा दिया कि जिनकी सेना सोते हुए सैनिकों पर आक्रमण करे उनके ऊपर हम कतई भरोसा नहीं कर सकते, और अंततः सालार इब्राहिम को भी महाराजा सुहेल देव ने मौत के घाट उतार दिया और उसकी 1.5 लाख की फौज का एक भी सैनिक जीवित नहीं बचा। लगे हाथ आपको बताते चलें कि महाराजा सुहेल देव की कर्मभूमि बहराइच के चितौरा में उनका स्मारक बनवाया जा रहा है। फरवरी 2016 में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने
बहराइच आकर उनकी मूर्ति का अनावरण किया था। यूपी सरकार की योजना के अनुसार इस जगह को एक भव्य पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले समय में भी आपको इस तरह की तमाम खबरें मिलती रहेंगी।